जब भी मेहमान आने वाले होते हैं तो आप भी यही सोचते हैं कि ऐसा क्या बना जाए जो बनाने में तो आसान हो और खाने में भी टेस्टी हो। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वैसी एक डिश जो बनाने में भी आसान है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है, और वो है चना चाट। तो फ्रेंड्स चलिए हम शुरू करते हैं चना चाट बनाने की रेसिपी। मैंने यहाँ पर छोले ले लिए हैं जिन्हें 10 से 12 घंटे के लिए मैंने पानी में गला दिया था और उसके बाद इन्हें उबाल लिया था। इसके बाद मैंने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटा हुआ कुकुम्बर डाल दिया है। अब इसमें मैं बारीक किसी हुई गाजर डाल दूंगी और बारीक कटे हुए टमाटर डाल दिए मैंने। इसके बाद मैंने इसमें जीरा पाउडर लिया है और चाट मसाला लिया है 1-1 चम्मच। अब मैंने यहाँ पर नमक और थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है, और इसके बाद लाल मिर्च पाउडर डालनी है। फिर मैंने यहाँ पर हरी मिर्च की चटनी ली है और मीठी चटनी जो मैंने इमली से बनाई थी वो डाल दी है। और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले और चटनियाँ इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर भुजिया सेव लिए हैं वो डाल दिया है और धनिया पत्ते डाल दिए हैं। और देखिए अब मैंने इन्हें मिक्स कर दिया है, तो हमारा चना चाट अब इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स आप चाहे तो इसमें अनार भी डाल सकते हैं। और देखिए हमारा चना चाट रेडी है और इसे मैंने भुजिया सेव और धनिया पत्तों से गार्निश कर दिया है। तो फ्रेंड्स हमारा चना चाट बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और ढेर सारे चटकारे व्यंजनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।